हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो हम जानेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के जनरल फीचर्स क्या होते हैं और वो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू, जैसा कि नाम कह रहा है, ग्राउंड बनाता है, ये प्लांट का ग्राउंड बनाता है, मतलब मैक्सिमम एरिया या प्लांट का मेन बल्क जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू का बना हुआ होता है। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, उनमें से किसी के भी बने हुए हो सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू, अगर लीफ की हम बात करें, तो जो पैलिसेट मेसोफिल और स्पॉन्जियो मेसोफिल लेयर है जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, वो बनाता है ग्राउंड टिश्यू लीफ के केस में। मोनोकॉट्स के केस में जो ग्राउंड टिश्यू होगा वो हाइपोडर्मिस और ग्राउंड पैरेन्काइमा का बना होगा, और डाइकोट स्टेम और रूट्स के केस में वो बना होगा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ और मेडुलरी रेस का। ठीक है, और ये ओरिजिनेट किससे होता है, हमने पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ा है, एपिकल मेरिस्टम के तीन प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं, और जो ये प्राइमरी मेरिस्टम ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू बनाता है वो होता है ग्राउंड मेरिस्टम। अब हम इस वीडियो में डाइकोट स्टेम और रूट में जो मेजर लेयर्स होती हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होती हैं, उनको कुछ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम सारे डाइकोट के स्टेम, रूट, लीफ सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो था हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की लेयर एपिडर्मिस जो कि आउटर कवरिंग है उसके जस्ट नीचे पाई जाएगी। हमने कॉलेनकाइमा के केस में भी पढ़ा था कि कॉलेनकाइमा के सेल्स लाइनिंग्स पे मिलते हैं, तो हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। फंक्शन इनका जो कॉलेनकाइमा का वही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। हाइपोडर्मिस के बाद जो पैरेन्काइमेटस लेयर है जो थोड़ी सी बड़ी होती है और बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, वो होती है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होगा, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा, तो कॉर्टेक्स के अंदर फूड सिंथेसिस भी होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब कॉर्टेक्स के अंदर स्टार्च, ऑयल, टैनिन, रेजिन डक्ट्स, लैटेक्स स्टोर करने वाली लैटेसिफेरस डक्ट्स, ये सारी डक्ट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या हो गए, फूड सिंथेसिस, फूड स्टोरेज, उसके अलावा प्रोटेक्शन, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है इनर पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, पंपिंग वाटर टू इनर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, प्लांट के अंदर वाले पार्ट्स में वाटर पंप करेगा, जाइलम को हेल्प करेगा बेसिकली। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस सिंगल कॉम्पैक्टली अरेंज लेयर ऑफ सेल्स है, तो सेल्स इसके क्या है, सिंगल लेयर्ड है और वो बैरल शेप्ड होते हैं। बैरल शेप मतलब कि कुछ हल्के रेक्टेंगुलर टाइप के शेप के होंगे, ये बैरल शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये एंडोडर्मिस की लेयर है। अब इसकी आउटर कवरिंग लेटरल वॉल पे और टेंजेंशियल वॉल, मतलब ऊपर की तरफ और साइडों में सुबेरिन की थिकनिंग मिलेगी, इस तरीके की थिकनिंग मिलेगी इन सेल्स में। तो ये जो थिकनिंग है, ये थिकनिंग सुबेरिन की बनी होती है, इसको डिस्कवर कैस्पेरी ने 1866 में किया था, तो इसका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो हम इसको क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये वुडी डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट में और एंजियोस्पर्म की लीव्स में नहीं मिलेगी, बट हर्बेशियस स्टेम में ये मिलेगी और वुडी रूट्स में भी, वुडी डाइकॉट रूट्स में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको एंडोडर्मिस के अंदर मिलेगी। तो एंडोडर्मिस का कैरेक्टर्स फीचर क्या है, उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। अब एंडोडर्मिस में जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये वाटर के लिए एक पैसेज बना देती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, वाटर को बांध लेती हैं ताकि एक्सेस वाटर जो है वो बाहर ना निकल सके, तो ये वाटर के डैम की तरह एक्ट करती है। सिमिलरली एयर के भी डैम की तरह एक्ट करती है, तो ये क्या करेंगी, वाटर टाइट डैम की तरह एक्ट करेंगी, और फिर ये एयर डैम की तरह भी एक्ट करेंगी। मतलब क्या करेंगी, एयर का भी, जाइलम के अंदर एयर एंटर ना करे ताकि एक कंटिन्यूस वाटर चैनल रहे, ये भी मेक श्योर करेंगी एंडोडर्मिस की लेयर। तो ये क्या है, इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू, इंटरनल प्लांट के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल मिलेगी एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल अगर है और ये अगर एंडोडर्मिस की लेयर है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो पेरीसाइकल के सेल्स हैं। पेरीसाइकल के सेल्स जो हैं दे आर पैरेन्काइमेटस, जनरली रूट्स में पैरेन्काइमेटस होते हैं, स्टेम के अंदर ये पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है पिथ। अब पिथ जो है वो सेंट्रल बिग रीजन है,
वो प्लांट की स्टेम का या रूट का सेंट्रल कॉर्टेक्स रीजन है, सेंट्रल रीजन है. तो सेंट्रल रीजन बनाएगा ये. अब ये क्या है, जनरली पैरेन्काइमेटोस होता है पर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम पिथ में नहीं होता है, पिथ सिर्फ एक सपोर्ट रीजन है. ओके, इसके सेल्स में कभी कभी टैनिन्स या क्रिस्टल्स होंगे, तो ये क्या करेगा, स्टोरेज का काम भी कर सकता है. कभी कभी पिथ के जो सेल्स हैं वो स्टोरेज का काम भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है मेड्यूलरी रेज. अब जैसा कि नाम है रेज, तो ये क्या कर रहे हैं, पिथ से एक्सटेंड होती हुई पैरेन्काइमा की स्ट्रिप्स हैं जो कि वैस्क्युलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं. तो ये बंडल्स हैं, वैस्क्युलर बंडल्स हैं एक सर्क्युलर फॉर्म में, तो इनके बीच में यहाँ पे ऐसे जो स्ट्रिप्स होंगी उनको मेड्यूलरी रेज कहेंगे. ये भी पैरेन्काइमेटस होती हैं, तो इनका काम फूड के स्टोरेज भी हो गया, और फूड स्टोरेज के अलावा क्या होगा, एक ट्रांसपोर्ट चैनल बनाना. तो ये जाइलम को रेडियल कंडक्शन में हेल्प करेंगी, पिथ से लेके कॉर्टेक्स तक वाटर ट्रांसपोर्ट में. कुछ मेड्यूलरी रेज मेरिस्टमैटिक भी हो सकती हैं, और जब वो मेरिस्टमैटिक होंगी तो क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. तो जब हम डायग्राम देखते हैं तो क्लियरली हम देख सकते हैं एपिडर्मिस के अंदर से स्टार्ट होता है ग्राउंड टिश्यू. तो ग्राउंड टिश्यू मेन बल्क बनाएगा, एपिडर्मिस के जस्ट इंटरनल जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है. उसके बाद एक पैरेन्काइमेटस रीजन है जो कि कॉर्टेक्स है, जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और फूड स्टोरेज भी करता है. उसके बाद आता है बैरल शेप्ड सेल्स का एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, और ये वाटर टाइट और एयर टाइट डैम की तरह एक्ट करता है. फिर वैस्क्युलर बंडल्स के आउटर लेयर को पेरिसाइकल कहते हैं, जो भी पैरेन्काइमेटस होती है. उसके बाद वैस्क्युलर बंडल्स, दो वैस्क्युलर बंडल्स या सारे वैस्क्युलर बंडल्स के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम मेड्यूलरी रे कहते हैं, और सेंट्रल रीजन जो होता है उसको हम पिथ कहते हैं. तो समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो मेन बल्क बनाता है किसी भी प्लांट की बॉडी का. ये वो टिश्यू है जो वैस्क्युलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के अलावा जो भी टिश्यू प्लांट में है वो ग्राउंड टिश्यू है. ग्राउंड टिश्यू लीफ के केस में स्पॉन्जी मीजोफिल और पैलिसेड मीजोफिल बनाएगा, मोनोकॉट्स के केस में हाइपोडर्मिस और ग्राउंड पैरेन्काइमा बनाएगा, और डाइकॉट स्टेम और रूट्स के केस में ये हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ और मेड्यूलरी रेज, ये सब मिलके ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे. तो ये था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में. आने वाले वीडियो में हम देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में. तब तक थैंक यू. TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग.